शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मसल्लिअला मुहम्मदिन साहिबिन मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने क़दीम से सहर और जादू का वजूद रहा है। सहर और जादू की तकालीफ से लोगों ने अज़ियतें झेली हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गईं। सहर और जादू की जो है नवसत से, उसमें जो जिन्नात शयातीन जो बदअसरात अफराद खाना पे पड़ते हैं या किसी मखसूस अफराद पे पड़ते हैं, तो वो तकालीफ और अज़ियतों में मुब्तला होते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके उलमा कराम जो पुराने ज़माने से थे उन्होंने किए हैं, और इनमें बखूरात का भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है वो असर है। कुछ बखूरात ऐसे हैं कि जिनसे जिनके जलाने से सहर और जादू के असरात बातिल हो जाते हैं बग़ैर किसी पढ़ाई करने के। लेकिन अगर आप पुराने मजीद फुरकान हमीद की आयात या सूरात या अस्मा इलाही पढ़ते हैं या किसी भी ज़बान में अल्लाह ताला का कोई इस्म पाक के कोई भी अल्लाह ताला का नाम है वो आप पढ़ते हैं, तो उसकी तासीर नूरानी वो भी सर और जादू को काटे। तो एक तरकीब है जो कि अबुल कासिम मरूज़ी बदीउल अजायब किताब ख़वासुल अशिया में लिखते हैं कि अगर कोई मरीज़ सहर और जादू का मुतासरा लाइलाज हो, कोई उसको दवा नहीं लगती, सेहत ठीक नहीं हो रही, किसी को समझ में बात नहीं आ रही तो इसको क्या मर्ज़ है, इलाज कर कर के उसके जो रिश्तेदार हैं अजीज़ हैं वो तंग आ गए हैं, मरीज़ ख़ुद भी तंग हो गया है कि अब इसका क्या करूँ क्या करें। तो ऐसे मरीज़ के लिए उलमाए किराम ने लिखा है। वैसे तो सिर्फ़ बखूर से ही काम चलेगा, लेकिन अगर आप आयत करीमा पढ़ते हैं तो भी बेहतर है। तो बखूर जो है उन्होंने जो तरकीब दी है वो है संदल यानी बरादा संदल, संदल का भूरा, संदल की लकड़ी होती है उसको अगर कूटेंगे या जब उसकी कटाई होती है तो उसके जो ज़रात होते हैं उसको बरादा संदल कहते हैं। और काफूर, काफूर भीमसेनी काफूर एक दानेदार चीज़ है, खुशबू है। लोबान, लोबान भी एक खुशबूदार चीज़ है। और इसके साथ इस्पंद, इस्पंद को फ़ारसी में इस्पंद बोलते हैं, उर्दू में हरमल बोलते हैं और अरबी में इसको हुबुर रशाद बोलते हैं। हुबुर रशाद तुखम हुबुर रशाद के लिए सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर जुमे की रात को इसको घर में धोनी दी जाए, और फरमाया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस घर में हुब रशाद की बकूर जलाई जाए धूनी दी जाए उस घर से 40 घर दूर तक शैतान भाग जाता है। अब आप समझें
कि कितना मुफीद है। शैतान क्या है? शैतान हर उस बुरी चीज़ को कहा जाता है जो हमें नज़र आए या नज़र नहीं आए, यानी वबाई मिराज, वायरल डिजीज़ और जो भी बीमारियां, जो जरासीम जो हवा को आलूदा कर रहे हैं, घर में असरात डाल रहे हैं। हम तो सिर्फ हुबुर रशाद के बकूर या दुआ करने से, धोनी देने से जो है भी शिफा हासिल होती है और असरात बद, जादू, जिन्नात, शयातीन ये ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक के हिंदू लोग भी हिंदुस्तान में उनके मंदिर हों वहाँ पे भी ये हरमल लोबान धूप की जो है कि अगरबत्तियाँ या इस तरह की चीज़ें जलाते हैं, और अगर कोई दरबारें हैं तो दरबारों पे भी इसी तरह की चीज़ें जलाते हैं। अगर कोई और उनके दूसरी जगहें हैं तो वहाँ भी इसको जलाते रहते हैं। तो संदल, काफूर, लोबान और इस्पन इसको मिला के, इसको कूट के और उसको आप उसका बखूर जलाएं। और मरीज़ ये वक्त होगा सहर और जादू के काट के लिए, तसली से मरीख और मुश्तरी, मरीख और मुश्तरी की जब तसलीस होगी उस वक्त को आप लिखेंगे और उस वक्त को आप ये अशिया जो हैं वो लेंगे। जब मरीख और मुश्तरी तसलीस हो उस टाइम को आप पहले नोट कर लें, अगर कोई मरीज़ आए तो फिर उसको जंतरी से देख के, या अगर आपको तो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर से देख के आप उस मरीज़ को कहें कि आप फलां टाइम आ जाएं। उस दिन आप उस मरीज़ के जिस्म के बाल उतारेंगे और उसको सदका करार देकर उस बखूर के साथ मिला के उसको जलाएंगे, तो उसके जलाने से उसके जो सहर और जादू के असरात होंगे ख़त्म हो जाएंगे। जब आप इसको बखूर को जलाएंगे और उसके सर और जिस्म के बाल को उतार के उसमें जलाएंगे, उस टाइम आपको, उस वक्त आपको आयात कुरानी या जिस चीज़ के आप हामिल हैं उसको पढ़ेंगे और उसके पढ़ने से सर और जादू मुकम्मल तौर पे बातिल हो जाएगा। ये तरीका बिल्कुल लाइलाज मरीज़ जो कि सहर और जादू से की वजह से बिल्कुल नाउमीद हो, शिफा कामला उनको हासिल नहीं हो और बीमारी की तकालीफ और मुसीबतों में परेशान हो, उन लोगों के लिए ये तरीका है और इस तरीके से उनको सेहत कामला हासिल हो। लेकिन फिर भी इन लोगों को उस परहेज़ को करना पड़ेगा 40-41 दिन कम अज़ कम। गोश्त, मछली, अंडा ये नहीं खाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना, फातिहा पानी के लिए नहीं जाना और नमक नहीं खाना, मसाला जात नहीं खाना, ये सब चीज़ें नहीं खानी। और जब आप मरीज़ को रोज़ाना दम करेंगे किसी मखसूस सूरत करीमा का या अल्लाह तबारक व ताला के नाम का, तो उसको कुछ ना कुछ आपको या उस मरीज़ को या मरीज़ के रिश्तेदारों को सदक़े के लिए जो चीज़ नज़र आए वो चीज़ आप लोगों को लाजमन सदका करनी हो और उसके बाद उसको मुकम्मल सेहत हो जाएगी। ये तरीका होता है। असल में कुतुब में सिर्फ अशिया लिखते हैं, कुतुब में वक्त लिखते हैं, आगे आमिल की फरासत
इल्म की सतह उस पे होता है, और जो मरीज़ आता है मरीज़ के मुताबिक होती है कि मरीज़ उस पे कितना अमल कर रहा है, कितनी परहेज़ कर रहा है। जिस तरह से आदमी दवाई खिलाता जाता है, खाता जाता है, अगर परहेज़ नहीं करेगा तो वो सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहेगा, उसको शिफा हासिल नहीं होगी। शिफा के लिए आदमी को दवा की ज़रूरत होती है और दवा के साथ परहेज़ की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर कोई आदमी सर जादू का इलाज करता है तो उसको कुरान मजीद, फुरकान हमीद या अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा या कोई और मुद्रा शरीफ या कोई और अमल है तो उसका दम भी उसको करना पड़ता है, उसको पानी पे पिलाना भी पड़ता है और उसको इससे जो है शिफा हासिल होती है, साथ में उसको परहेज़ करवानी पड़ती है। ख़ास तौर पे इमराज सहर और जादू के लिए सुन्नत तरीके पे अमल करते हुए उनको मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक में खसूसन अगर नीम का दरख्त हो तो बेहतर है। अगर नीम के लकड़ी का आप मिसवाक नहीं करते तो फिर आप जो है तो दूसरे नंबर पे पीलू के दरख्त का जो है आप मिसवाक करें। अगर वो नहीं है तो फिर आप दूसरे मिसवाक कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ मुझे रूहानियों की तरफ से मालूम हुआ कि नीम के दरख्त से जो है मिसवाक करने से सहर और जादू के असरात बातिल हो जाते हैं। इसी तरह अकाबरीन और बुजुर्गान दीन अहमा कराम ने पीलू के दरख्त के जो है मिसवाक की भी तारीफ़ की। बहरकैफ आपको इन सुन्नतों पे अमल करना होगा, साफ सुथरा रहना होगा तो सहर और जादू बातिल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।